नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। सरकार एफडीआई के पक्ष में खड़ी है तो विपक्ष किसी भी हाल में एफडीआई को लागू नहीं होने देना चाहता। हालात ये है कि 7 दिनों से संसद की कार्यवाही तक नहीं चल पा रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, संसद नहीं चलने देंगे। वहीं व्यापारी भी एफडीआई के विरोध में उतर गए हैं। 1 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या यूं ही जारी रहेगा एफडीआई पर महाभारत। इसी मुद्दे पर पेश है हमारा विशेष भारत बंद। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मेहमान। उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर कमल नयन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो कि व्यापारी नेता भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओबीसी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल जी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और उनका भी आगे हम स्वागत करेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की 5 बड़ी रिटेल चेन, जो कि 5 रिटेल सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी के बाद भारतीय बाजारों में सबसे तगड़ी चुनौती बन सकती है। हाथ में तराजू नहीं होगी मशाल, ना खुलेंगी दुकानें, ना होगा काम। व्यापारियों ने फूका विरोध बिगुल। एफडीआई व्यापारियों पर अत्याचार। देश भर के व्यापारियों में आक्रोश है। रोजगार छिनता देख देश भर के व्यापारी विरोध पर उतारू हो गए। केंद्र सरकार के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को 51% करने की अनुमति से व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 1 दिसंबर को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने देश भर में व्यापार बंद करने का आह्वान किया है और उनके इस बंद को देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है। देश के हर शहरों के छोटे बड़े सभी व्यापारियों ने इस बंद का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अनाज दलहन तिलहन व्यवसायी महासंघ ने निवेश के विरोध में 1 दिसंबर को कई राज्यों के मंडियों को बंद रखने का फैसला किया है। इस दिन व्यापारी अपना कारोबार बंद कर विदेशी निवेश की होली जलाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। व्यापारियों के इस विरोध को देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने भी समर्थन दिया है और उनके साथ सड़क पर उतरने का फैसला किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार खुदरा बाजार में 51% एफडीआई पर अड़ी है, जिसका तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं केंद्र में तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे यूपीए के घटक भी एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा और बसपा भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी इसके खिलाफ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार के टॉप थिंक टैंक माथा पच्ची जरूर कर रहे हैं। अब देखिए विरोध और बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। और कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका स्वागत करेंगे पाल साहब। इससे पहले सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार के अंदर के लोग समर्थन दे रही बाहर की पार्टियां और विपक्ष भी पूरी तरह से इसके विरोध में है, इसके बावजूद भी सरकार इस पर अड़ियल रुख अपनाए हुए है, क्या लगता है इससे करोड़ों ऐसे खुदरा व्यापारी सड़कों पर आ जाएंगे? जिस तरह से व्यापारी भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है और समर्थन दे रहे जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी कह रही हैं, इसके बावजूद भी ये रुख क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री के जी हमें सुन पा रहे हैं जगदम्बिका जी, हमें सुन पा रहे हैं? लग रहा है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कमल साहब हम बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा इस पर माथा पच्ची हो रही है कि क्या होना चाहिए, सरकार अपने रुख को स्पष्ट कर रही है कि इससे फायदा होगा, सिर्फ यही कहा जा रहा है, 51% की बात हो रही है कि फायदा होगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, व्यापारी भी अब सड़कों पर उतर आ रहे हैं, भारत बंद तक का ऐलान किया जा चुका है, किस तरीके से देखा जाए भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की नजरिए से अगर हम देखें?
देखिए, तीन बातें जो आपने सवाल पूछे उससे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तो ये है कि देश का एक छोटा सा तबका और एक छोटा सा संख्या में कम से कम दल इसका समर्थन कर रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था में और समाज में कौन ऐसे लोग हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तबका जो लाभ होगा, हमारे यहाँ जब रिटेल को ऑर्गेनाइज्ड बड़ी कंपनियों के लिए खोला गया तो बहुत सारी कंपनियाँ आ गई उस देश में, हजारों स्टोर खोलने गए, उससे भी व्यापारी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है, परंतु इन कंपनियों को भी नफा नहीं हो रहा है। वो उसको बेच के 49% अपनी इनसे अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं, तो उनको बहुत बड़ा बाहर का पैसा है, इन कंपनियों के पास में हजारों बिलियन डॉलर्स हैं। एक तो वो तबका है, दूसरा जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है जिन्होंने बिल्डिंगें बना ली और जो बनाने की उम्मीद करते हैं वो लोग इसके समर्थन में हैं, वो तीसरा एक तबका है राजनीतिज्ञों में जिनकी प्रतिबद्धता, जिनको मैं कहता हूँ डॉलर पेट्रियट्स, वो उनकी प्रतिबद्धता विचारों में सामाजिक आर्थिक सब रूपों में वो साफ साफ कहते हैं हमारा एक एजेंडा है, ये नहीं बताते। 2002 की बात छोड़िए, 10वीं योजना के मध्यावधि आकलन में ये कहा गया था कि हमको इस व्यापार का मॉडर्नाइजेशन करना है। इस व्यापार में आम आदमी को किसी को क्या शिकायत है? अगर कीमतें बढ़ती है तो सरकार खुद कहती है मांग और पूर्ति का संतुलन है, वायदा बाजार है, और उसके साथ साथ ये होता है कि हमारे यहाँ जो आंकड़े फैल बता के बैठते हैं 80% हमारा सामान बिक जाता है, ये कहाँ से आया आंकड़ा, कोई सोर्स तो बताइए। किसी भी सरकारी अध्ययन में, किसी निजी अध्ययन में ये नहीं बताया गया है। और आप सोचते हैं कि गरीब किसान जो बेच नहीं सकता है, जो सब्जी वाले उनको दिक्कत देते हैं, वो अपना 30-40% बेकार जाने देंगे? मतलब जगदम्बिका जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। जगदम्बिका जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और अब अगर 7 दिन से इस पर संसद भी ठप हो रही है, इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से लेकर के अड़ चुका है कि वो संसद नहीं चलने देंगे, व्यापारी पूरी तरह से इससे खफा दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको, सरकार के अंदर के भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन दे रहे आपके जो दूसरे घटक दल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, फिर आपको कैसा लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, प्रणब मुखर्जी जी ने आज कहा है कि अगर रिटेल में पूंजी निवेश होता है FDI का तो निश्चित तौर से महंगाई भी घटेगी। मैं इसका एक उदाहरण आपको दे दूं कि आज दिल्ली के बाजारों में प्याज का क्या भाव है, 18 रुपया किलो है, 1800 क्विंटल बिक रहा है, और नासिक में आज प्याज का भाव 3 रुपया किलो है। तो इससे साफ है कि जो किसानों का उत्पाद है, जो उनके खेत से उनका उत्पादन होता है, उसकी कीमत किसानों को आज मात्र 3 रुपये मिल रही है, और वो जब आज़ादपुर मंडी में आती है, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को, और जब उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती है तो वो 18 रुपये हो जाती है। इस FDI के आने से सीधे किसानों की परचेज होगी, किसानों को भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा। मैं समझता हूँ संसद पे गतिरोध क्यों है, इस FDI पे जब सरकार बहस के लिए तैयार है, सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार है, तो आज विपक्ष को पिछले 7 दिनों से FDI पे इस तरह से गतिरोध बनाया जा रहा है जैसे लगता कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। आखिर आज पूंजी निवेश के लिए खुद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, कि हमारे हिंदुस्तान में आप पूंजी निवेश करिए। और आज मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कितने सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल का सेक्टर होगा, सुजुकी का सेक्टर होगा, इनोवा का सेक्टर होगा, जिसमें विदेशी पूंजी निवेश हमारी कार के कंपनियों के साथ लगा हुआ है, मेडिकल में लगा हुआ, मेडिसिन में लगा हुआ। तो अगर आज रिटेल में आता है और उस रिटेल में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा तो वो किसान को या उपभोक्ता को, तो आखिर इसके बावजूद विपक्ष क्यों इतना हाय तोबा जी। जगदम्बिका जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जी, बीजेपी नेता हमारे साथ पात्रा साहब भी हैं, सुमित्र पात्रा साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं, फिर 2004 का जो आप लोगों का मैनिफेस्टो था जो जारी किया गया था, उस वक्त भी FDI का आप लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन आज जो हाय तोबा मची हुई है जिस तरह से पाल साहब भी बता रहे हैं, इसकी वजह क्या है, आपसे जानना चाहेंगे? नहीं, मेरा पाल साहब से बस इतना ही कहना है कि जो पाल साहब कह रहे हैं कि बाकी भी क्षेत्र में निवेश होना चाहिए और हम मांग कर रहे हैं कि हो, तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं, मैं पाल साहब से यही कहना चाहूँगा कि बाकी क्षेत्र और इस क्षेत्र में बहुत फ़र्क है। यह जो रिटेल का क्षेत्र है, कृषि के बाद ये सबसे बड़ा क्षेत्र या सेक्टर है भारतवर्ष का, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है।
14% सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 14% का जिम्मेदार है ये। 20 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, 20 से 30 लाख करोड़ रुपए इसमें देश का लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि यह पूरे देश का सबसे बड़ा सेक्टर, कृषि के बाद कोई सेक्टर है तो यह है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, पाल साहब ने कहा कि हम निवेश कर रहे हैं कारों पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं, वो मात्र 1% है जीडीपी का, ये 14% है। तो इतने बड़े सेक्टर पे आप इसको दूसरों के हाथ में सुपुर्द कर देना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल वही है जो माननीय अरुण जेटली जी ने कहा, उन्होंने कहा टू हैंड ओवर द फूड सिक्योरिटी, खाद्य श्रृंखला को किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ में सुपुर्द कर देना यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बुरा है। आप लोगों के मैनिफेस्टो में फिर ये जो 2004 में जो फेस्टो हमने जो देखा है उसमें फिर आप लोगों ने समर्थन क्यों किया था कि सरकार अगर बनती है तो आप लोग इसके पक्ष में जाएंगे? नहीं, हमने समर्थन यह कह के किया था कि इस पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और यदि सही मायने में हमें लगे कि एफडीआई से कोई लाभ होगा तब अवश्य इसका समर्थन करेंगे। किंतु अब पूरे विषय को गहन चिंतन से देखने के पश्चात, अब जब एनडीए सत्ता में नहीं आई, सत्ता किसी और के हाथ में है, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं कहा जाए? नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं एक विषय पहले ही क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से आर्थिक प्रगति के खिलाफ नहीं है। जगदंबिका जी भी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कंप्लीट कर दूं, ये सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से, किसी भी तरह, जगदंबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से भी आर्थिक प्रगति के खिलाफ नहीं है, मगर आर्थिक प्रगति के नाम पे देश को बेच दिया जाए इसके खिलाफ। ये जानते हैं जगदंबिका जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे जी? ये केवल पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 25-30% इस देश का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खराब हो जाता है, हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। आज तक चाहे ये 6 साल सरकार में रहे हो या हम रहे हो, अभी देश के गेहूं के लिए रखने के लिए हमारे पास जितना समुचित भंडारण चाहिए वेयर हाउसेज का नहीं है। तो आज तो देश में हम कहीं भी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं सब्जी या वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के रखने का हो। सबसे बड़ी फायदा होगा कि एफडीआई के आने से परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, पूरे देश में कोल्ड चेन बनेगा, कोल्ड स्टोरेज बनेगा। ये जो 25-30% सब्जियां क्षति हो रही है, राष्ट्रीय हानि है, उसकी बचत होगी, उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा। तो जगदंबिका जी, अपने सहयोगी दलों को और कुछ कांग्रेस के भी अंदर के, जैसे केरल से भी आवाज उठी है, उन लोगों को मनाने में आप लोग नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? विपक्ष की बात छोड़िए। नहीं, देखिए, प्रजातंत्र में किसी बात पे सहमति भी होती है, विमति भी होती है, और डेमोक्रेसी में कोई चीज़ प्रोसेस आप डायलॉग से और डिबेट से होता है। आज अगर एफडीआई के मामले पे बात उठी है, चाहे वो केरल के साथी हो या हमारे किसी सांसद या लोगों ने उठाई है, तो उस पर हम आज इसीलिए भारत के वित्त मंत्री नेता सदन ने कांग्रेस के सांसदों को आज बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने एफडीआई से लाभ, एफडीआई के 3 साफ लाभ हैं। एक तो संगठित रोजगार बढ़ेगा, चाइना में भी 2004 में वॉलमार्ट आया, टेस्को आया, और उससे आप देखते हैं कि वो जगदंबिका जी इसी लाभ की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री कमल नयन जी भी हैं, इसी लाभ पर उनसे बात कर लेते हैं, आप कुछ कहेंगे? देखिए, जो इन्होंने तथ्य दिए हैं और जो आर्ग्यूमेंट दी है वो कतई अर्थशास्त्र के या किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। पहले तो मैंने जैसे कहा था कि 25-30% बेकार जाता है, ये इसके कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं जो जिसके आधार पर कहा जाए। दूसरी बात ये कहना कि हिंदुस्तान में उनके आने से ये इन्वेस्ट, अगर आप इतनी ज़रूरत समझते हैं, आप गेम्स पर लाखों रुपए खर्च कर, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसकी बर्बादी भी करते हैं। दे हिंदुस्तान में 36% बचत दर है और 40% इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको सबसे पहले प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं? हिंदुस्तान के उद्योगपति आज ऐसी स्थिति है कि वो बाहर से जितना पैसा मंगा रहे हैं उसका 28% वो बाहर भेज रहे हैं। अब उनको कहो कि बाहर मत जाओ, यहाँ पैसा जमा करो। तो असली मकसद जो है, इन्होंने विदेशी मुद्रा की इनको ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो व्यापार घाटा है, जो विदेशी व्यापार का घाटा है, बहुत बढ़ गया, और ये 1991 की तरह, 90 की पहले की स्थिति की तरह कर्ज में नहीं फंसना चाहते हैं कि वो अपना पैसा आए, जब चाहे ले जाए, जब चाहे लाए, उसे शेयर बाजार में उथल पुथल आएगी और उसका सारे देश पर गलत असर पड़ेगा।